हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ डोमेन रिप्लिकेशन एंड व्हाट इज़ फिज़मो रूल, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था WMI फिल्टर और GPIO की बैकअप एंड रिकवरी के लिए मुतलिक। तो आज हम देखेंगे हम अपने डोमेन को रिप्लिकेट कैसे करते हैं किसी दूसरे डोमेन के साथ, और फिज़मो रोल्स क्या होते हैं। एक्चुअली फिज़मो बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर या आपके PDC पर एडमिनिस्ट्रेटर या उसके एडमिन यूज़र को होते हैं। और बाय फिज़मो रोल वी कैन रिजॉल्व इशू रिगार्डिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इन आवर इन्वायरमेंट, राइट। टू अंडरस्टैंड फिज़मो रोल यू शुड नो हाउ मैनी टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, कि रेप्लिकेशन की कितनी कितनी टाइप होती हैं, और फिज़मो रोल को एक्चुअली रेप्लिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। और फिज़मो रोल को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में, एक डोमेन वाइज है और एक फॉरेस्ट वाइज, राइट। और डोमेन वाइज में कौन से रोल, एक्चुअली इसके पांच रोल होते हैं जो हम आगे चलकर इसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे। डोमेन में होता है आपका स्कीमा नेम, स्कीमा मास्टर, और आपका स्कीमा मास्टर आपका एक्चुअली फॉरेस्ट में होता है, और डोमेन नेमिंग ये भी आपका फॉरेस्ट में होता है, RID मास्टर आपका डोमेन में होता है, PDC एम्यूलेटर आपका डोमेन में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आपका डोमेन में होता है, राइट। तो ये पांच रोल फिज़्मो रोल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, और जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डोमेन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, राइट। तो इसको और रेप्लिकेशन को एक्चुअली हमने दो दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एक इंट्रा साइट और एक इंटर साइट, राइट। फिज़्मो रोल जो कैटेगराइज हैं दो दो उस दो पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, एक डोमेन वाइज फिज़्मो रोल होता है और एक फॉरेस्ट वाइज फिज़्मो रोल होता है, राइट। और जो हम रेप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि फिज़्मो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रेप्लिकेशन में, राइट। और रेप्लिकेशन की जो कैटेगरी है, ये दो कैटेगरीज होती हैं रेप्लिकेशन की, एक इंट्रा साइट और एक इंटर साइट। तो इंट्रा साइट क्या होती है कि आपकी एक इन्वायरमेंट है, आपने एक सर्वर बनाया है, एक ADC बनाया है, एक ADC1 बनाया है, इनके दरमियान आपने ट्रस्ट रिलेशनशिप या आपने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाया हुआ है, और तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, तो वो इंट्रा साइड होता है कि एक ही इन्वायरमेंट में आपके जो रिप्लिकेशन हुई पई है हुई हुई है उसको इंट्रा साइड कहते हैं। और इसकी जो आपके जो सिंक होने का प्रोसेस होता है, अगर एक यूज़र आप ADC बना रहे हैं तो वो आपके PDC पे jazzy.com या आपका PDC सर्वर है, इस पे सिंक होगा 24/7, राइट। मतलब लाइव रिस्पांस आपको आएगा इस पे। तो ये इंट्रा साइड होता है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर आप बना रहे हैं। अगर एक एक आपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, या इसको कहते हैं एक साइड बनाई हुई है, राइट, इसके अंदर डोमेन है, एक साइड आपकी दूसरी है, राइट, और इन दोनों साइड्स के दरमियान, इस साइड के दरमियान और इस साइड के दरमियान जब आप ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट, और रिप्लिकेशन होती है, तो ये इंटर साइड होती है, राइट। और इंटर साइड को किसी भी, अगर यूज़र आप ADC बनाते हैं तो आपको इंटर साइड को आप इसमें सिंक होने के लिए नॉर्मली 180 मिनट मैक्सिमम, 180 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं इन दोनों को आपस में सिंक होने में, राइट। तो ये कुछ स्टेप थे और कुछ चीज़ें थी। चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और हम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। इंटर साइट रिप्लिकेशन हम करते हैं, दो डोमेन होंगे हमारे पास और उनके दरमियान हम ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएंगे और उनके दरमियान कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। हम अपनी लैब की तरफ, एक ADC इंस्टॉल है और ये हमारा PDC है,
इसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोल, ये हमारा पीडीसी, इसकी आईपी क्या है 192.168.100। तो हम इसकी आईपी एड्रेस भी सेट कर लेते हैं। वन कर लेते हैं इसकी, और इसका गेटवे 192.168.0.1 देते हैं, और 192.168.1.1 ये हमारा प्रीफियर डीएनएस सर्वर, इसकी आईपी हमें यहाँ देनी है 192.168.1.100 है। तो इसे आप 1.1 कर दें, राइट 192.168.1.100 ये किसकी आईपी है, ये हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की आईपी है, राइट इसको ओके करें। इसको पिंग चेक करें कि ये एक्सेसिबल है या नहीं है। पिंग 192.168.1.100, ठीक है इसकी पिंग आ रही है। अब सर्वर से आप क्लाइंट की पिंग चेक करें जो हम एडीसी बना रहे हैं। पिंग 192.168.1.101, इसकी क्यों नहीं आ रही, इसकी एक्चुअली फायरवॉल कोई ऑन होगी। आप इसकी फायरवॉल चेक करें, जी फायरवॉल ऑन है इसकी, इसको आप ऑफ कर दें, ओके करें। अब इसकी पिंग चेक करें, राइट। तो चलते हैं हम अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरफ। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे रोल, राइट। सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे, ऐड फीचर एंड रोल्स, इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस, ऐड फीचर करें। अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है इसमें हमने कुछ देखे ना OU बनाया है, HR सेल्स और W10, और इसमें कुछ यूज़र्स हैं। W10 का यूज़र है इसमें, रियाज यूज़र है और आसिफ यूज़र है। इन ये तीनों यूज़र हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में या बैकअप डोमेन कंट्रोलर में रिप्लिकेट होने चाहिए, राइट। आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। अब इसको इंस्टॉल कर दें, ये कुछ टाइम लेगा, मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ और जैसे ही कंप्लीट होगा तो दोबारा वीडियो को मैं रिज्यूम कर दूँगा। सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप क्लोज करें और इसको प्रमोट करें आप, राइट। इसको नेक्स्ट करें। अच्छा इसमें से जो जो आपने ऑप्शन चूज करना है ना, टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है, फॉरेस्ट में ऐड नहीं करना, हमने एग्जिस्टिंग डोमेन में ऐड करना। इसको आप सेलेक्ट करें, ये सर्च कर रहा है, देखें लाता सर्च इसमें आना चाहिए वरना फिर हम
एक्चुअली ये हमारा डोमेन है jazzy.com, jazzy.com, इसको हमने सर्च करना है। चलें jazzy.com, राइट, ये आ गया आपका। ओके करें, आप नेक्स्ट करें, ओके ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपने अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर का देना है, राइट। और ये कैसे देना है, सिंपल, आपने jazzy.com/administrator, राइट, और पासवर्ड आपने देना है इस डोमेन का jazzy.com के, राइट। इसे नेक्स्ट करें आप, अब देखें, अब यहाँ पे आप इसको रीड ओनली भी बना सकते हैं, मगर हम देखते हैं ये DSRM पासवर्ड, नेक्स्ट करें आप, राइट, रेप्लिकेट फ्रॉम, नेक्स्ट करें आप, नेक्स्ट करें आप, और नेक्स्ट करें आप। ये कुछ टाइम लेगा रेप्लिकेशन में, और आप इसे कर दें इंस्टॉल। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये रिस्टार्ट हो रहा है, राइट। फर्स्ट टाइम कुछ टाइम लेता है ये लॉगिन स्क्रीन पर आ चुका है कंट्रोल, आप इसे एंटर करें। अब यहाँ पे देखें डोमेन कंट्रोलर में
ये तो हमारा पीडीसी है और ये हमारा ईडीसी है, और कंप्यूटर में भी चलो हम देखते हैं टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर ये देखिए यूज़र रेप्लिकेट हो चुके हैं हमारे पीडीसी से एडीसी में। चलिए हम यहाँ पे एक और यूज़र बना लेते हैं W10 में बना लेते हैं हम लोग। एडीसी देखें रिप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है इसके। राइट तो आपका ये रिप्लिकेट हो चुका है यूजर। अब हम देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंट्रस्ट डोमेन कंट्रोलर आपके आगे हैं। राइट तो ये कुछ आज का हमारा लेक्चर था। हमने रिप्लिकेशन ये देखें ये ईडीसी सर्वर आ गया आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइड एंड सर्विसेज में, और इसकी एंटिटी सेटिंग है राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।